हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी चैप्टर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और सीबीएसई बेस्ड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बच्चों, अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखोगे, कंप्लीट देखोगे, तो ये कंसेप्ट और क्वेश्चंस आपको फिर से बहुत ईजी तरीके से समझ आ जाएंगे। और ये क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करोगे, पढ़ोगे और खुद सॉल्व करोगे, तो डेफिनेटली आप 95 अबव स्कोर कर पाओगे बायोलॉजी के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उसके बाद सीबीएसई के क्वेश्चंस देखेंगे। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है, नेम द पार्ट्स ऑफ एंजियोस्पर्म फ्लावर इन विच डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गेमिटोफाइट्स टेक्स प्लेस। इन क्वेश्चन से पहले अगर आप चैप्टर की डिस्क्रिप्शन देखना चाहते हो तो मेरी पिछली यूट्यूब देख सकते हो, मैंने चैप्टर बहुत सिंपल तरीके से समझाया है। उसके बाद भले आप ये वाली वीडियो जो है वो क्वेश्चंस के रिवीजन के लिए देख सकते हो, और इसमें भी मैं आपको साथ साथ ब्रीफ कर देती हूँ इसके पॉइंट्स को। तो बच्चों, पहले क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि एंजियोस्पर्म फ्लावर के कौन से पार्ट में मेल और फीमेल गेमिटोफाइट बनते हैं। तो मेल गेमिटोफाइट बच्चों हमने पढ़ा था पोलन सैक में बनता है, और फीमेल गेमिटोफाइट जो है वो न्यूसिलस ऑफ ओव्यूल में बनता है। सेकेंड क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस, विच टाइप ऑफ सेल डिविजन अकर्स ड्यूरिंग दीज इवेंट्स, नेम द स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ दीज टू इवेंट्स। माइक्रोस्पोर मदर सेल और मेगास्पोर मदर सेल बच्चों डिप्लॉयड होता है, मतलब 2n होता है, और जब इसमें मियोसिस होगी तो वो हैप्लॉयड हो जाएगा, और क्या बन जाएंगे, मेगास्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर्स। हमने 11th में पढ़ा था कि जब मियोसिस होती है तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। पोलन ग्रेन्स मेल गेमिटोफाइट बन जाते हैं, और एम्ब्रियो सैक के अंदर बच्चों फीमेल गेमिटोफाइट बन जाता है। दीज आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ दीज इवेंट्स। अब डिफरेंसेस देख लेते हैं इनके बीच में, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या डिफरेंस है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में पोलन्स बनते हैं मियोसिस से, मेगास्पोरोजेनेसिस में मेगास्पोर्स बनते हैं मियोसिस से। पोलन्स जो है वो एंथर्स के अंदर बनते हैं, और यहाँ पे जो ओव्यूल्स बनते हैं वो ओवरी में बनते हैं। ऑल फोर पोलन ग्रेन्स आर फंक्शनल, मगर मेगास्पोरोजेनेसिस में ओनली वन आउट ऑफ फोर मेगास्पोर्स आर फंक्शनल। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, अरेंज द फॉलोइंग टर्म्स इन द करेक्ट डेवलपमेंट सीक्वेंस, पोलन ग्रेन, स्पोरोजेनस टिश्यू, माइक्रोस्पोर टेट्राड, पोलन मदर सेल, मेल गेमिट्स। करेक्ट सीक्वेंस में आपको लगाना है। तो देखिए, सबसे पहले स्पोरोजेनस टिश्यू होगा, वो पोलन मदर सेल में डिवेलप होगा, उससे माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा, फिर पोलन ग्रेन बनेगा, और एंड में क्या बन जाएगा बच्चों, मेल गेमिट बन जाएगा। तो ये है सीक्वेंस। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, विद अ नीट लेबल डायग्राम डिस्क्राइब द पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल। ये हमने नोट्स में डिटेल में किया था सिंपल तरीके से, वही डायग्राम मैंने आपको दोबारा इस क्वेश्चन में दिखाया है कि ये माइक्रोपाइल है जहाँ से पोलन ट्यूब एंटर करेगी, ये आउटर इंटेग्यूमेंट है, ये इनर इंटेग्यूमेंट है, ये न्यूसेलस है, और ये सबसे अंदर का एम्ब्रियो सैक है, और जहाँ माइक्रोपाइल एंड होता है उसका ऑपोजिट चलेजल एंड होता है, और यही डिस्क्रिप्शन मैंने अपने इस आंसर में दी है। देखिए, माइक्रोपाइल विच एक्ट एज पैसेज फॉर द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल। फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज मेंट बाय मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमिटोफाइट। नाम से पता चल रहा है मोनो मीन्स सिंगल, स्पोरिक मतलब एक स्पोर का बनना। तो वन ऑफ द मेगा स्पोर इज फंक्शनल वाइल द अदर थ्री डीजेनरेट, ओनली द फंक्शनल मेगा स्पोर डेवलप इनटू द फीमेल गेमिटोफाइट और एम्ब्रियो सैक। सो दिस मेथड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक फ्रॉम अ सिंगल मेगा स्पोर इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। सिक्स क्वेश्चन है बच्चों, विद अ नीट डायग्राम एक्सप्लेन द 7-celled 8 न्यूक्लियर नेचर ऑफ फीमेल गेमिटोफाइट। हमने नोट्स में पिछले चैप्टर में यूट्यूब में पढ़ा था कि 8 न्यूक्लियर सेल तो होता है, मगर वो 8 न्यूक्लियेट नेचर होता है, मगर वो 7-celled होता है फीमेल गेमिटोफाइट। तो वो कौन से हैं 7-celled? देखिए, 3 सेल जो है वो माइक्रोपाइलर एंड पे हैं, बीच में 2 सेल होंगे, और 3 सेल जो होंगे वो चलेजल एंड पे होंगे। तो कितने हो गए, 3+2+3, 6+2, 8।
मगर जो बीच का सेल है, सेंट्रल सेल हम उसे कहते हैं, उसमें दो पोलर न्यूक्लियस, उसे हम एक ही सेल मानते हैं, इसीलिए वो सेवन सेल्ड है। एट न्यूक्लियेट है मगर वो सेवन सेल्ड है। ये उसका डायग्राम है बच्चों। सेवन क्वेश्चन है, व्हाट आर कैस्मोगेमस फ्लावर्स, कैन क्रॉस पोलिनेशन अक्कर इन क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। कैस्मोगेमस फ्लावर क्या होते हैं, जिनके एंथर और स्टिग्मा हमेशा ओपन रहते हैं, ओपन विद एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा। और क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स में इसमें उल्टा होता है, विच डू नॉट ओपन एट ऑल। तो जब खुलेंगे ही नहीं तो क्या क्रॉस पोलिनेशन हो पाएगी? नहीं, सिर्फ सेल्फ पोलिनेशन ही होगी। सेल्फ पॉलिनेट होते हैं ये फ्लावर्स, एज द फ्लावर्स रिमेन क्लोज्ड एंड देयर इज नो चांस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। एट क्वेश्चन है बच्चों, मेंशन टू स्ट्रेटजीज इवॉल्व्ड टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इन फ्लावर। तो सेल्फ पॉलिनेशन ना हो उसके लिए प्लांट्स में कौन सी दो स्ट्रेटजीज फ्लावर्स ने इवॉल्व की है, नेचर ने खुद ही की है। तो पहला तो क्या है, जब एंथर और स्टिग्मा डिफरेंट टाइम पे मैच्योर होंगे तो वो पॉलिनेशन हो ही नहीं पाएगी। दूसरा, सेल्फ स्टरिलिटी, जब सेल्फ स्टराइल जीन होंगी तो दे डज नॉट अलाउ पोलन ग्रेन्स टू ग्रो ऑन द स्टिग्मा ऑफ दैट फ्लावर। तो इसको हम सेल्फ स्टरिलिटी और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं, इससे सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगी, एग्जाम्पल टोबैको और पोटैटो। नाइन्थ क्वेश्चन बच्चों, फिर से वही आ गया, वॉट इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, वाई डज सेल्फ पोलिनेशन नॉट लीड टू सीड फॉर्मेशन इन सेल्फ इनकम्पैटिबल प्लांट। तो जब सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगी तो वही सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है, और सीड क्यों नहीं बनेगा, ताकि वो सेल्फ पॉलिनेशन ना हो सके। और ये बच्चों एक जीन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। टेंथ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, व्हाट इज बैगिंग टेक्निक, हाउ इज इट यूजफुल इन अ प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम। बैगिंग क्या होती है, पहले हम फ्लावर को इमैस्कुलेट करते हैं, मतलब उसके एंथर्स रिमूव कर देते हैं, जो है दे आर डस्टेड विद पोलन ग्रेन ऑफ डिजायर्ड मेल प्लांट बाय मीन्स ऑफ अ प्री स्टरलाइज्ड ब्रश एंड फ्लावर्स आर रीबैग्ड टिल फ्रूट डेवलप। तो अनवांटेड पोलन हटा के रीबैगिंग कर देते हैं, इसको हम बैगिंग कहते हैं। तो दिस टेक्निक इज मेनली यूज इन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एंड प्लांट ब्रीडर्स ऑफन यूज दिस टेक्निक टू प्रिवेंट द कंटामिनेशन ऑफ स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर्स फ्रॉम अनवांटेड पोलन ग्रेन्स। इलेवेंथ क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन, वेयर एंड हाउ डज इट टेक प्लेस, नेम द न्यूक्लिया इन्वॉल्व इन ट्रिपल फ्यूजन। तो ट्रिपल फ्यूजन क्या होती है, सिनगेमी प्लस डबल फर्टिलाइजेशन इज इक्वल टू ट्रिपल फ्यूजन। और ये कहाँ होती है, ये सारे प्रोसेस हैं, ये देखिए सिनगेमी हुई, डबल फर्टिलाइजेशन हुई, इसलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। और ये दीज टू इवेंट्स जो हैं, ये डबल फर्टिलाइजेशन, दीज टू इवेंट्स डबल फर्टिलाइजेशन एंड सिनगेमी फॉर्म ट्रिपल फ्यूजन। और ये कहाँ होती है बच्चों, ये होती है, ये देखिए सेंट्रल सेल में, फ्यूजन ऑफ सेकेंड मेल गेमीट विद द टू पोलर न्यूक्लियस लोकेटेड इन द सेंट्रल सेल। ट्वेल्थ क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक द जायगोट इज डोरमेंट फॉर सम टाइम इन अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। जब उसको फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलेंगी तो वो डोरमेंट स्टेट में रहेगा, जब उसको फेवरेबल कंडीशंस मिल जाएंगी तो वो जर्मिनेट कर जाएगा, ग्रो कर जाएगा। तो तब तक न्यूट्रिशन कहाँ से लेगा, एंडोस्पर्म से। हमने पढ़ा था कि एंडोस्पर्म का काम क्या होता है, न्यूट्रिशन देना टू द डिवेलपिंग एम्ब्रियो। थर्टींथ क्वेश्चन बच्चों, इनमें डिफरेंस पूछे गए हैं, चार पार्ट्स दिए हैं, तो आइए देखते हैं क्या डिफरेंसेस हैं। पहले एपिकोटाइल फिर हाइपोकोटाइल, इसको याद रखने की आपको एक टिप देती हूँ। जैसे हम हाइपो और हाइपर वर्ड यूज़ करते हैं, तो हाइपो मतलब नीचे, तो नीचे मतलब बिलो, द पार्ट ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस विच एग्जिस्ट बिलो द कॉटिलेडन इन अ डाइकोट एम्ब्रियो इज कॉल्ड हाइपोकोटाइल। तो अगर ये बिलो है तो ये क्या होगा, अबव होगा। अब अगर ये बिलो है तो ये रूट बनाएगी, तो इट एंड्स विद अ रेडिकल, आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट। और ये ऊपर है तो ये प्लेम्यूल बनाएगी जो शूट बनाएगी, इट एंड्स विद द प्लेम्यूल विच फॉर्म द शूट। फिर दोनों में डिफरेंस है कॉलियोपटाइल और कॉलियोराइजा। कॉलियोपटाइल सॉइल से ऊपर आता है तो ग्रीन इन कलर होता है, ये सॉइल के अंदर रहता है, आर फॉर राइजा, आर फॉर रूट। ये शूट की शीट होगी और ये रूट की शीट होगी,
ये प्रोटेक्टिव शीथ है और ये बेसिकली अनडिफ्रेंशिएटेड शीथ होती है। ये प्लेम्यूल को कवर करती है जो शूट बनाती है, ये रेडिकल और रूट को कवर करती है जो रूट बनाती है। इट ब्रेक्स द सीड कोट एंड इलोंगेट, इट ब्रेक्स द सीड कोट बट स्टॉप्स फर्दर ग्रोथ। तो ये हैं बच्चों 5 डिफरेंसेस कॉलियोपटाइल और कॉलियोराइजा में। फिर है इंटेग्यूमेंट्स एंड टेस्टा। इंटेग्यूमेंट कवरिंग ऑफ ओव्यूल है और टेस्टा आउटर कवरिंग ऑफ सीड है। ये थिन होती है, ये थिक होती है। इसमें सेल्स लिविंग होते हैं, इसमें सेल्स डेड होते हैं। इसमें स्क्लेरीड स्पेशल सेल्स होते हैं वो एबसेंट होते हैं, यहाँ पे टेस्टा में प्रेजेंट होते हैं। इट अराइजेज फ्रॉम चलेजल एंड ऑफ ओव्यूल एंड इट इज डिराइव फ्रॉम द आउटर इंटेग्यूमेंट ऑफ ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इट इज़ अ प्री फर्टिलाइज स्ट्रक्चर, मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले बनता है। ये पोस्ट फर्टिलाइज स्ट्रक्चर है, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। नेक्स्ट है पेरिस्पर्म एंड पेरिकार्प। पेरिस्पर्म क्या होता है बच्चों? अनयूज्ड न्यूसिलस इन द सीड। और पेरिकार्प क्या है? कवरिंग ऑफ फ्रूट दैट डेवलप फ्रॉम ओवरी वॉल। इट इज अ पार्ट ऑफ सीड और पेरिकार्प इट इज अ पार्ट ऑफ फ्रूट। इट इज यूजुअली ड्राई, इट इज ड्राई और फ्लैशी। इट इज ऑफन नॉन फंक्शनल फॉर अ सीड। और ये क्या है? ये फंक्शनल होता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग देता है। इट इज प्रेजेंट इन ओनली फ्यू सीड्स, मगर पेरिकार्प इन ऑल फ्रूट्स प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन बच्चों, व्हाई इज एप्पल कॉल्ड अ फॉल्स फ्रूट, विच पार्ट ऑफ फ्लावर फॉर्म द फ्रूट। तो जो हम ओवरी खाते हैं वो ट्रू फ्रूट होता है, बट अदर देन ओवरी अगर पार्ट्स हों जैसे कि थैलमस या अदर फ्लोरल पार्ट्स, तो उन्हें हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं, जैसे एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू। तो एप्पल में एडिबल पार्ट क्या है? फ्लैशी थैलमस। तो ट्रू फ्रूट जो ओवरी से बना और फॉल्स फ्रूट जो अदर देन ओवरी से बना। 15th क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाई ईमैस्कुलेशन, व्हेन एंड व्हाई डज अ प्लांट ब्रीडर एम्प्लॉय दिस टेक्निक। अभी ऊपर क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था ईमैस्कुलेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ स्टेमेंस और एंथर ऑफ अ बायसेक्चुअल फ्लावर विदाउट अफेक्टिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इज कॉल्ड ईमैस्कुलेशन। और ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक में यूज किया जाता है। 16th क्वेश्चन है, इफ वन कैन इंड्यूस पार्थिनोकार्पी थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ सब्सटेंसेज, विच फ्रूट वुड यू सिलेक्ट टू इंड्यूस पार्थिनोकार्पी एंड वाई। अब पार्थिनोकार्पी क्या होती है? सीडलेस फ्रूट्स बनाना, उनको हम कहते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। सो दे डेवलप फ्रॉम ओवरी विदाउट फर्टिलाइजेशन, एग्जाम्पल बनाना, ग्रेप, ऑरेंजेस, पाइनएप्पल, गुआवा, वाटरमेलन, लेमन। अब ये क्यों सिलेक्ट किए जाते हैं? बिकॉज इनकी बहुत ही ज़्यादा सीडलेस हाई इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है। और जिस फ्रूट में हम सीड खाते हैं जैसे पोमोग्रेनेट, वो उसका एडिबल पार्ट है, उसको नहीं हम पार्थिनोकार्पी में यूज़ करेंगे। सिर्फ जिसके हमें सीड नहीं चाहिए उन्हीं फ्रूट्स को हम पार्थिनोकार्पी में लाएंगे। 17th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ टेपिटम इन द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन बॉल। बच्चों एक चीज़ जो हमेशा याद रखनी है कि टेपिटम का मेन काम क्या है? नरिशमेंट देना। तो टेपिटम नरिशमेंट देता है, न्यूट्रिशन देता है जो पोलन बन रहा होता है। उसके साथ साथ ये कुछ एंजाइम और हार्मोनल सब्सटेंसेस भी सिक्रेट करता है, मगर मेन फंक्शन ऑफ टेपिटम इज टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द पोलन्स। 18th क्वेश्चन है, व्हाट इज एपोमिक्सिस एंड व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस। एपोमिक्सिस मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दैट प्रोड्यूसेस सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, एग्जाम्पल सम स्पीशीज ऑफ एस्टेरियसी एंड ग्रासेस। दिस मेथड इज ऑफ इम्पॉर्टेंस इन हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री। अब क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि जो हाइब्रिड करेक्टर्स हैं हाइब्रिड प्लांट्स में, वो ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाते। तो जब हम एपोमिक्सिस को इसके साथ इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो ज़्यादा समय तक वो हाइब्रिड करेक्टर्स टिक पाते हैं। फॉर दिस रीजन साइंटिस्ट आर ट्राइंग हार्ड टू आइडेंटिफाई जीन्स फॉर एपोमिक्सिस। तो इसी के साथ बच्चों एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस सॉल्व हो गए। मैंने एक एक क्वेश्चन आपको इजी तरीके से पूरे एक्सप्लेन कर दिए। अब हम बढ़ते हैं CBSE बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, जिसमें हम वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। CBSE के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से शुरू करते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन वन है, व्हाट आर द कंपोनेंट सेल्स ऑफ द एग एपरेटस इन एन एम्ब्रियो सैक। तो एग एपरेटस में क्या क्या होता है बच्चों? एक एग सेल होता है और दो सिनर्जिड सेल्स होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ गाइनोशियम डिटर्मिन्स द कंपैटिबल नेचर ऑफ पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन किसके ऊपर आके टिकते हैं? स्टिग्मा के ऊपर। ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गाइनोशियम का स्ट्रक्चर।
थर्ड है, व्हाट इज कॉमन इन द फंक्शन परफॉर्म बाय न्यूसेलस एंड कॉटिलेडन, तो क्या कॉमन है दोनों के फंक्शन में, बोथ स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल एंड डज द वर्क ऑफ प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू द रिस्पेक्टिव स्ट्रक्चर्स, जैसे कि न्यूसेलस एम्ब्रियो सैक को न्यूट्रिशन देता है, कॉटिलेडन्स जो है वो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, फिल इन द मिसिंग वर्ड, आपको एक सीक्वेंस दी गई है और उस सीक्वेंस के बेस पे आपको ये लास्ट में क्या आएगा वो आइडेंटिफाई करना है कि पोलन मदर सेल से पहले पोलन टेट्राड बना, फिर पोलन ग्रेन बना, फिर वेजिटेटिव सेल बना और फिर उसके साथ एक और कौन सा सेल बनेगा, तो आंसर है जेनरेटिव सेल। फिफ्थ क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग इवेंट्स इंडिकेट द स्टेजेस वेयर माइटोसिस एंड मियोसिस अकर, 1, 2, 3 आपको फिल्स दिए गए हैं। ये देखिए, मेगास्पोर मदर सेल से पहला क्या बना, फिर मेगास्पोर, फिर सेकंड, फिर एम्ब्रियो सैक बना और फिर थर्ड और फिर उससे फाइनली एग बन गया। तो आपको 1, 2, 3 ये गैप्स को फिल करना है कि क्या आएगा। तो मेगास्पोर मदर सेल में क्या होगा, मियोसिस होगी तभी मेगास्पोर्स बनेंगे। अभी पीछे भी हमने ऊपर एक क्वेश्चन में किया था कि जब मियोसिस होगी तो वो डिप्लॉयड सेल हैप्लॉयड हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर माइटोसिस होगी तो सेम एम्ब्रियो बन जाएगा, एम्ब्रियो सैक, और फिर से गेमीट बनना है, एग बनना है तो वो हैप्लॉयड होना चाहिए, तो फिर से मियोसिस होगी और एग बनेगा। तो ये बच्चों इस तरह से हम देख के फिल करेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन है, शो द डायरेक्शन ऑफ पोलन ट्यूब फ्रॉम द पोलन ऑन द स्टिग्मा इन द एम्ब्रियो सैक इन द गिवन डायग्राम। ये देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं सीबीएसई में पेपर में कि ये डायग्राम दिया है और इसके अंदर पोलन ट्यूब जो है वो मिसिंग है, तो आपको बताना है कि पोलन ट्यूब की डायरेक्शन क्या होगी। तो देखें इसका आंसर क्या है, ये यहाँ से ये पोलन ट्यूब जो है ये एंटर करेगी एग सेल के अंदर। तो इस तरह से आपको ये डायरेक्शन खुद डायग्राम में बना के शो करनी है कि किस तरह से ये पोलन ट्यूब जो है वो एग सेल तक पहुँचेगी। सेवन्थ क्वेश्चन है, विच रीजन्स ऑफ पिस्टल फॉर्म फ्रूट्स एंड सीड। ऊपर भी अभी हमने क्वेश्चन किया था कि ओवरी फ्रूट में डेवलप हो जाती है और ओव्यूल जो है वो सीड में डेवलप हो जाता है। एट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग पॉली एम्ब्रियोनी इफ वन एम्ब्रियो इज फॉर्म फ्रॉम सिनर्जिड्स एंड द अदर फ्रॉम न्यूसेलस, स्टेट द वन दैट इज हैप्लॉयड एंड द वन दैट इज डिप्लॉयड। कौन सा हैप्लॉयड होगा, कौन सा डिप्लॉयड होगा? तो जो एम्ब्रियो सिनर्जिड सेल से बनेगा वो हैप्लॉयड होगा और जो एम्ब्रियो न्यूसेलस से बनेगा वो डिप्लॉयड होगा। इसमें मियोसिस होगी, इसमें माइटोसिस होगी। नाइन्थ क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल दैट एन अनफर्टिलाइज्ड एपोमिक्टिक एम्ब्रियो सैक गिव्स राइज टू अ डिप्लॉयड एम्ब्रियो, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। कि क्या अनफर्टिलाइज्ड एपोमिक्टिक एम्ब्रियो सैक जो है वो एक डिप्लॉयड एम्ब्रियो बना सकता है? हाँ बना सकता है, यस। कैसे? इफ द मेगास्पोर डिवेलप्स इनटू एन एम्ब्रियो सैक विदाउट माइटोटिक डिवीजन, तो इट विल गिव राइज टू अ डिप्लॉयड एम्ब्रियो। टेंथ क्वेश्चन है, व्हेन अ पोलन ग्रेन इज शेड एट द 3-celled स्टेज विच 3 cells आर फाउंड, कौन से होंगे? एक वेजिटेटिव सेल और 2 male gametes। 11th है, डिफाइन सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, हाउ डू सेल्फ इनकम्पैटिबल प्लांट्स पोलिनेट। अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है और ये वाले प्लांट्स कैसे पोलिनेट करते हैं, क्रॉस पोलिनेशन से, क्योंकि सेल्फ पोलिनेशन तो पॉसिबल ही नहीं है, इनकम्पैटिबिलिटी है। 12th है, विच इज अ ट्रिप्लॉयड टिश्यू, हाउ इज दिस कंडीशन अचीव्ड इन अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। तो एंडोस्पर्म होता है बच्चों ट्रिप्लॉयड टिश्यू और ये कैसे बनता है, फ्यूजन ऑफ 1 male gamete एंड 2 haploid पोलर न्यूक्लियर, इन दोनों की फ्यूजन से ट्रिप्लॉयड टिश्यू बनता है। 13th है, डज एपोमिक्सिस रिक्वायर फर्टिलाइजेशन एंड पॉलिनेशन, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो नहीं, एपोमिक्सिस में पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन नहीं होती। क्यों? क्योंकि एपोमिक्सिस एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ही यूज होता है और एम्ब्रियो सैक डायरेक्टली भी न्यूसेलस और सिनर्जिड्स से बन सकता है, तो इसलिए इसमें फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन का काम नहीं है। 14th है, मेंशन द काइंड ऑफ कार्पल इन द डायग्राम गिवन बिलो। ये देखिए बच्चों, फिर एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये 2 diagrams आपको दिए हैं, आपको आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन सी किस तरह की कार्पेलरी है,
सिन कार्पस है, एपो कार्पस है, कैसी है? तो ये देखिए ये सारे फ्यूज्ड हैं कार्पल्स, तो इसको कह दिया सिन कार्पस पिस्टन। किसका है? पेपेवर का एग्जाम्पल है। और यहाँ पे ये सारे खुले हुए हैं कार्पल्स, तो ये एपो कार्पस है, मतलब फ्री है कार्पल्स। दिस इज द गाइनोशियम ऑफ माइचिलिया। तो इस तरह से बच्चों पेपर में क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं कि डायग्राम को आइडेंटिफाई करना। 15th है, हाउ डू एक्वेटिक प्लांट्स अंडरगो पोलिनेशन। तो कैसे होता है एक्वेटिक प्लांट्स में? कुछ प्लांट्स के फ्लावर हवा में ग्रो करते हैं, देन दे आर पोलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स। कुछ प्लांट्स के फ्लावर सबमर्ज्ड ही होते हैं पानी में, सो दे रिलीज देयर पोलन इन द वाटर, दैट ड्रिफ्ट्स इन द वाटर एंड आर कॉट बाय द फेदरी स्टिग्मा और फीमेल फ्लावर्स। ईच पोलन ग्रेन इन द फॉलोइंग प्लांट्स प्रोड्यूस मेल गेमीट्स, स्टेट द फंक्शन ऑफ द मेल गेमीट। तो क्या फंक्शन है उसका? वन मेल गेमीट फ्यूजेस विद द न्यूक्लियस ऑफ द एग सेल व्हाइल द अदर मेल गेमीट मूव टुवर्ड द टू पोलर न्यूक्लियर प्रेजेंट इन द सेंट्रल सेल एंड फ्यूजेस विद इट टू फॉर्म अ ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। 17th है, लिस्ट आउट द एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। तो बच्चों एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट, विंड, वाटर, ह्यूमंस, क्रॉपिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो हम यूज़ करते हैं औजार, उस पर भी पोलन्स चिपक जाते हैं। तो जब हम दूसरे फ्लावर्स पे या प्लांट पे काम करते हैं तो उस इंस्ट्रूमेंट से वो वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये सारे हैं एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स। अगर बड़ा क्वेश्चन आए इसमें लॉन्ग, तो आप इसको बायोटिक और एबायोटिक में भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। बायोटिक में लिविंग आ जाएंगे, एबायोटिक में नॉन लिविंग आ जाएंगे। तो ये शॉर्ट था, तो इसलिए हमने इसको इस तरह से शॉर्ट में लिख दिया। 18th क्वेश्चन है, व्हाट इज पॉलिनेशन। तो बच्चों अब तो आपको समझ आ गया होगा कि पॉलिनेशन क्या होता है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द मेल एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द फ्लावर्स फीमेल पार्ट कॉल्ड द स्टिग्मा। व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। पहले एंडोस्पर्म बनता है, फिर एम्ब्रियो बनता है, फिर ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है और ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये चार पॉइंट्स तो आपको बच्चों याद होने ही चाहिए, ये मेन की पॉइंट्स है कि क्या चीज़ किस में बन जाती है। 20th क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। तो आप देख रहे होंगे कि एक ही कंसेप्ट के कितने सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो किसी भी तरीके से पेपर में पूछ लिया जाता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो है वो स्टेमन हो गया, जिसमें फिलामेंट एंथर आ गया, जिसको हम एंड्रोशियम कहते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को कार्पल या पिस्टल कहते हैं, जिसको स्टिग्मा स्टाइल ओवरी आते हैं, जिसको हम साइंटिफिकली गाइनोशियम टर्म देते हैं। तो याद रखना है ये बच्चों आपको। 21, व्हाट इज क्रॉस पोलिनेशन। तो एक तो पोलिनेशन होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू स्टिग्मा, और क्रॉस पोलिनेशन क्या होगा? जिसमें एंथर ऑफ अ वन फ्लावर से स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर पे पोलन्स जाएंगे। तो क्रॉस वर्ड यूज हो रहा है, क्रॉस पोलिनेशन। डिफाइन डबल फर्टिलाइजेशन। ये देखिए आप इसको अपने वर्ड्स की फॉर्म में खुद बना के भी लिख सकते हैं। मैंने आपको यहाँ समझाने के लिए सिन गेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन दिया है कि इन दोनों प्रोसेस के मिल जाने को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और इनमें क्या होता है उसकी डिटेल भी आप नोट से देख के और इलैबोरेट करके लिख सकते हैं। 23rd है, व्हाट आर द मेन लेयर्स ऑफ अ फ्लावर। फ्लावर में चार मेन लेयर क्या होती हैं? कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। कैलेक्स और करोला जो है वो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, और एंड्रोशियम मेल पार्ट, गाइनोशियम फीमेल पार्ट। 24th है, डिफाइन मॉर्फोजेनेसिस। तो क्या मतलब है जेनेसिस? मतलब बनना, जो वो बायोलॉजिकल प्रोसेस विच कंट्रोल द ग्रोथ डेवलपमेंट इन साइज शेप स्ट्रक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। 25th क्वेश्चन है, स्टेट द रोल ऑफ एंडोथीशियम। एंडोथीशियम क्या करता है बच्चों? माइक्रोस्पोरांजियम को प्रोटेक्ट करता है एंड हेल्प्स इन द डिसेंस ऑफ एंथर फॉर द रिलीज ऑफ पोलन ग्रेन्स। 26th है, इन अ यंग एंथर द अ ग्रुप ऑफ कम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजेनस सेल्स वर ऑब्जर्व्ड इन द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरांजियम। इनको क्या नाम दिया गया था बच्चों? अगर आपको डायग्राम याद हो तो स्पोरोजिनस टिश्यू। 27th है, गिव द साइंटिफिक नेम ऑफ अ प्लांट विच केम टू इंडिया एज अ कॉन्टेमिनेंट विद इम्पोर्टेड वीट एंड कॉजेज पोलन एनर्जी, पार्थीनियम। 28th है, पोलन ग्रेन्स ऑफ वाटर पोलिनेटेड स्पीशीज हैव अ स्पेशल करेक्टरिस्टिक फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम वाटर। क्या होती है वो? वाटर पोलिनेटेड प्लांट्स के अंदर म्यूसेजिलस कवरिंग होती है, म्यूसिलेजिनस कवरिंग। 29th है, वाई आर पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस्ड इन इनॉर्मस क्वांटिटी इन मेज। कोई भी चीज़ इनॉर्मस क्वांटिटी में क्यों बनती है? ताकि उसकी पोलिनेशन इंश्योर हो सके, बिकॉज मेज इज पोलिनेटेड बाय विंड।
हवा से पोलन्स किधर जाएंगे कहाँ जाएंगे कुछ नहीं पता, तो ज़्यादा क्वांटिटी में होंगे तो डेस्टिनेशन तक पहुँच ही जाएंगे। 30 है, इन सेम स्पीशीज ऑफ एस्टेरेसियन ग्रासेस सीड्स आर फॉर्म्ड विदाउट फ्यूजन ऑफ गेमीट्स, तो उसके लिए क्या साइंटिफिक टर्म है, फ्यूजन नहीं हुआ तो इसका मतलब एपोमिक्सिस। 23rd, ये देखिए फिर से वो डेवलपमेंटल सीक्वेंस जो है वो पूछी गई जैसे अभी हमने ऊपर क्वेश्चन किए थे, तो ये इस तरह से आप बच्चों सीक्वेंस में इसको लगा सकते हो, ये 2 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। 32 है, व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है तो पोलन बनेंगे, मेगास्पोरोजेनेसिस है तो मेगास्पोर्स बनेंगे। व्हाट इज फ्यूनिक्यूलस, स्टॉक ऑफ द व्यूल इज कॉल्ड फ्यूनिक्यूलस। 34 है, डिफाइन पार्थिनोकार्पी, तो सीडलेस फ्रूट का बनना कहते हैं पार्थिनोकार्पी, और जो फ्रूट डेवलप होता है उसे क्या कहते हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, एग्जाम्पल बनाना। 35 है, वॉट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, द प्रोसेस दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज रेफर टू एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। 36 क्वेश्चन है बच्चों, वॉट इज स्पोरोपोलेनिन, तो स्पोरोपोलेनिन जो है वो अभी तक का नेचर का सबसे हार्डेस्ट स्ट्रक्चर है, और वो कहाँ प्रेजेंट होता है, एग्जाइन ऑफ पोलन ग्रेन में, वहाँ पे इसको क्या कहते हैं, हाईली रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक केमिकल कॉल्ड स्पोरोपोलेनिन, तो ये 1 नंबर का बच्चों पेपर में आ जाता है। 37 क्वेश्चन है, नेम वन प्लांट ईच वेयर पोलिनेशन अकर विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड बैट्स, तो आपको एग्जाम्पल देना है वाटर पोलिनेटेड प्लांट का एग्जाम्पल देना है, तो वाटर पोलिनेटेड प्लांट वेलिसनेरिया एंड हाइड्रिला, और बैट पोलिनेटेड में अगेव, कोकोवा, बनानास, मैंगोज, ग्वावास, यूकेलिप्टस, ये सारे बैट से पोलिनेट होते हैं। 38 क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ क्रॉस पोलिनेशन इन वेलिसनेरिया एंड बुगनविला, तो ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट है, वेलिसनेरिया में हाइड्रोफिली मतलब वाटर से पोलिनेशन होती है, और बुगनविलिया में एंटोमोफिली मतलब कि इंसेक्ट से पोलिनेशन होती है, तो ये टाइप ऑफ क्रॉस पोलिनेशन पेपर में पूछ लिया जाता है। 39th क्वेश्चन है, हाउ मेनी न्यू हैप्लॉयड न्यूक्लियाई एंड हैप्लॉयड सेल्स आर प्रेजेंट इन फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म, तो 8 हैप्लॉयड न्यूक्लियाई होते हैं अभी जो हमने ऊपर पढ़ा था, और 7 हैप्लॉयड सेल्स होते हैं। 40th है, मेंशन द साइंटिफिक टर्म फॉर द टाइप ऑफ पोलिनेशन विच इंश्योर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, तो बच्चों सेल्फ पोलिनेशन में तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता ही नहीं है, तो क्रॉस पोलिनेशन में ही जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, तो उसके लिए साइंटिफिक टर्म क्या है, जीनोगेमी या फिर एलोगेमी। गिवन एग्जांपल ऑफ बैट पोलिनेटेड फ्लावर, अगेव, गुआवा, मॉर्निंग ग्लोरी, ये कुछ एग्जांपल हैं बैट पोलिनेटेड फ्लावर्स के, इनके फ्लावर्स जो होते हैं ये बड़े होते हैं और वाइट और पेल कलर्ड होते हैं, क्यों, सो दैट दे कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम देयर डार्क सराउंडिंग्स एट नाइट, अंधेरे में वाइट नजर आ सके इस, और बैट से इजीली पॉलिनेट हो जाए। तो इसी के साथ बच्चों वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस खत्म हो गए, अब हम सीबीएसई के इम्पोर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको एक बार ही डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 है, हाउ डज अ कैस्मोगेमस बायसेक्चुअल फ्लावर प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, तो अभी जैसे हमने ऊपर भी शॉर्ट आंसर में पढ़ा था कि कैसे होगा, सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगी, जब इसको हम कहते हैं डाइकोगेमी, पहली स्ट्रैटेजी है जिसमें पोलन्स और रिसेप्टिविटी ऑफ स्टिग्मा जो है वो सिंक्रोनाइज्ड नहीं होगा, तो मेटिंग नहीं हो पाएगी। फॉर एग्जांपल इन सनफ्लावर द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव लॉन्ग आफ्टर द पोलन रिलीज। फिर है हर्कोगेमी, इन दिस द मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट एट डिफरेंट लोकेशंस, तो जब लोकेशन डिफरेंट होगी तो पोलन जो है फ्लावर का कैन नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, एग्जाम्पल हिबिस्कस। फिर है सेल्फ स्टर्लिटी, दिस इज ऑल्सो अ मैकेनिज्म जिसमें कि पोलन ट्यूब जो है पिस्टल के पास नहीं पहुंच पाएगी या उसकी जर्मिनेशन इनहिबिट हो जाएगी, तो दिस प्रिवेंट द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्यूल फ्रॉम द पोलन ऑफ द सेम फ्लावर, एग्जाम्पल टोबैको एंड पोटैटो। तो ये 3 पॉइंट्स थे बच्चों। सेकेंड क्वेश्चन है, अरेंज देम सिक्वेंशियली अकॉर्डिंग टू हाउ दे अपीयर इन द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम,
तो री बैगिंग ये बिल्कुल सीबीएसई का ही सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है। री बैगिंग, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, बैगिंग, डस्टिंग ऑफ पोलन ऑन द स्टिग्मा, ई मैस्कुलेशन, कलेक्शन ऑफ पोलन। तो सबसे पहले हम पेरेंट्स का सिलेक्शन करेंगे, फिर उसके अंदर से एंथर्स को रिमूव करेंगे, ई मैस्कुलेशन, फिर बैगिंग करेंगे, फिर पोलन ऑफ कलेक्शन की कलेक्शन करेंगे, फिर उसको पोलन को स्टिग्मा पे डस्टिंग कर देंगे और फिर से री बैगिंग कर देंगे। तो ये हैं बच्चों मेन स्टेप्स। जब भी हमने पीछे ऊपर शॉर्ट आंसर में भी पढ़ा था कि बैगिंग क्या होती है, तो इस उसमें भी हमने इसी तरह के स्टेप्स पढ़े थे। तो ये दूसरे तरीके से क्वेश्चन जो है पूछ लिया गया। थर्ड है लेबल द फॉलोइंग डायग्राम। तो ये डायग्राम जो है इसमें आपको लेबलिंग करनी है। ये ऊपर का स्क्यूटलम है, ये कॉलियोपटाइल है जो शूट बनाएगा, और ये नीचे का रेडिकल और रूट है, रेडिकल और कॉलियोराइजा है जो रूट बनाएगा। तो ये बच्चों इस तरह से आपको ये स्ट्रक्चर को लेबल करना है। फोर्थ है एक्सप्लेन द टर्म पॉली एम्ब्रियोनी, हाउ इज इट एक्सप्लॉयटेड कमर्शियली। तो जब मोर देन वन एम्ब्रियो होता है सीड में तो उसको पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। दिस कैन बी सीन इन अ फ्यू सिट्रस फ्रूट्स एंड मैंगो वराइटीज। पॉली एम्ब्रियोनी प्लेज अ सिग्निफिकेंट पार्ट इन प्लांट ब्रीडिंग एंड हॉर्टिकल्चर। दीज एम्ब्रियोज गिव राइज टू वायरस फ्री प्लांटलेट्स एंड आर हेल्दी। और हाइब्रिड वेराइटीज़ जो होती हैं इन प्लांट वेजिटेबल्स की बहुत ज़्यादा ग्रो की जाती हैं। जो पॉली एम्ब्रियोनी से वेराइटीज़ बनती हैं वो हाईली प्रोडक्टिव होती हैं। फिफ्थ है इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन एपोमिक्सिस एंड पार्थिनोकार्पी, एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ ईच। हाँ बच्चों डिफरेंस तो है ही। पार्थिनोकार्पी जो है वो फ्रूट में होती है, द फ्रूट इज प्रोड्यूस्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द फीमेल गेमीट। और एपोमिक्सिस जो है उसमें सीड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के, मगर इसमें प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ द प्लांट जो है उसको अफेक्ट नहीं किया जाता। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ द प्लांट में ही होती है ये। इट इज़ पार्थिनोकार्पी इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स विदाउट सीड्स सच एज बनाना एंड ग्रेप्स फॉर कमर्शियल पर्पसेस। और ये जो है इट इज़ यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड वेराइटीज एंड इन प्रोडक्शन ऑफ वायरस फ्री वेराइटीज। सिक्स्थ है द जाइगोट डिवाइड्स ओनली आफ्टर द डिवीजन ऑफ अ प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। क्यों? क्योंकि इसमें नरिशमेंट चाहिए जाइगोट को ग्रोथ एंड डिवीजन के लिए, और वो कौन देता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। तो जब वो बनेगा तभी जाइगोट बनेगा। सेवन्थ में लेबल करने हैं आपको गिवन पार्ट्स इन द डायग्राम गिवन बिलो। तो ये आपको पार्ट्स दिए गए हैं, इसमें आपको इसको लेबल करना है। तो कैसे लेबल करोगे? ये सेंट्रल सेल है, ये बीच में एग का न्यूक्लियस है, ये बाहर की झिल्ली जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बीच में एक सिनर्जिड सेल है, यहाँ पे ये फिलीफॉर्म अपरेटस है जो पोलन को पहुँचने में मदद करता है। ये मेल गेमीट्स देखिए फिलीफॉर्म अपरेटस से आ रहे हैं जो आगे एग तक पहुँचेंगे मेल गेमीट्स। तो अब बच्चों लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What is pollination? Give its two significance. Among the insects, particularly bees are the dominant pollinating agent. So list any four characteristic features of the insect pollinated flowers. तो एक एक करके आपको क्वेश्चन के इसके आंसर देने हैं कि पॉलिनेशन क्या होता है, फिर उसकी दो सिग्निफिकेंस क्या है, इट इंश्योर्स स्पीशीज कॉन्टीन्यूटी, ट्रांसफर ऑफ करेक्टर। बीज डोमिनेंट पॉलिनेटिंग एजेंट हैं, तो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स के करेक्टर्स क्या होते हैं? तो वो फोर करेक्टर्स मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखे हैं। फ्लावर्स बड़े होते हैं, पेटल्स कलरफुल होती है, फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा होती है, और नेक्टर रिच होता है। तो इन्हीं की वजह से कीड़े जो हैं इंसेक्ट्स जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन जिटोनोगेमी एंड जीनोगेमी एंड हाउ इट इज़ मोर बेनिफिशियल देन ऑटोगेमी। तो सेम ट्रेड सेम करेक्टर, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, नो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, नो हाइब्रिड वेराइटी, ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं एसोसिएटेड विद ऑटोगेमी जो जीनोगेमी और जिटोनोगेमी में नहीं देखी जाती। तो सेल्फ पॉलिनेशन में ये चीज़ें होंगी पर क्रॉस पॉलिनेशन में ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, इसीलिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल है देन ऑटोगेमी। डिफरेंस दिखाया फिर मैंने जिटोनोगेमी और जीनोगेमी में, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। उसी प्लांट के दो अलग फ्लावर्स होते हैं। और जीनोगेमी में क्या है, फ्लावर भी बदल जाता है और एंटायरली डिफरेंट प्लांट होता है। यहाँ पे कोई जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होता, मगर यहाँ पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है।
थर्ड क्वेश्चन में फिर से डाइकॉट एम्ब्रियो के डायग्राम दिए गए हैं, आपको ए और बी पार्ट दोनों फिगर्स में लेबल करने हैं। तो कैसे लेबल करेंगे बच्चों? देखिए पहले वाले में प्लेम्यूल शूट सिस्टम बना रहा है, ये प्लेम्यूल शूट सिस्टम बनाएगा, और बी कॉटिलेडन है ये वाला फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड। उसके बाद यहाँ ए बी सी डी कैसे लेबल करेंगे, ये ऊपर का एंड है, क्या कहते हैं इसे, माइक्रोपाइल। उसके बाद ये बी आउटर इंटेग्यूमेंट, फिर सी जो है ये अंदर का न्यूट्रिशन देगा, न्यूसेलस, और ये डी क्या होगा, एम्ब्रियो सैक। तो इस तरह से बच्चों लेबलिंग करेंगे। फोर्थ में ए बी सी डी आपने इस टेबल में भरने हैं। पेरिकार्प क्या कहाँ होता है, क्या होता है, वॉल ऑफ फ्रूट होती है। उसके बाद कॉटिलेडन एंड सीड्स ऑफ ग्रास फैमिली क्या कहते हैं, स्कूटलम कहते हैं, स्क्यूटलम कहते हैं। फिर एम्ब्रियोनल एक्सिस किस में होती है, शूट में होती है। और रिमेन्स ऑफ न्यूसेलस इन अ सीड क्या होता है, पेरिस्पर्म। एम्ब्रियोनल एक्सिस रूट एंड शूट टिप दोनों में होती है। फिफ्थ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम विद अ नीटली लेबल डायग्राम। ये बच्चों आप नोट्स में से भी लिख सकते हो, और यहाँ पे भी मैंने आपके लिए फिर से वो लेयर्स वगैरह टेपिटम सब डिस्क्राइब कर दिया, और ये वही डायग्राम है जो आपको पेपर में बनाना है, याद रखने हैं ये डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स, व्हाट रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन अ स्पीशीज ऑफ मॉथ एंड अ यूका प्लांट। क्या होता है बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप है इनके बीच में। जो मॉथ होता है वो अपने एग को डिपॉजिट कर देता है इन द लॉक्यूल ऑफ द ओवरी, और फिर क्या करता है, इन टर्न पॉलिनेट्स द फ्लावर ऑफ अ प्लांट, एंड द लार्वा डेवलप फ्रॉम द एग्स एज द सीड्स स्टार्ट डेवलपिंग। तो बहुत ही अच्छा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है इनके बीच में पॉलिनेशन के रिस्पेक्ट में। उसके बाद एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम बनाना है, और सारे पार्ट्स को ऐसे ये फिर से लेबलिंग करनी है। फिफ्थ एट क्वेश्चन है, लिस्ट फाइव एडवांटेजेस ऑफ पॉलिनेशन टू एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। तो बच्चों पॉलिनेशन से फर्टिलाइजेशन होती है, सीड का प्रोडक्शन होता है, फ्रूट का प्रोडक्शन होता है, विच आर नेसेसरी फॉर कॉन्टीन्यूटी ऑफ लाइफ। न्यू वेराइटीज़ बनती हैं, हाइब्रिड सीड्स बनते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, एंड इट ऑल्सो हेल्प टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस इन नेचर। ये सारे मेथड्स हो रहे हैं तभी एक साइकिल चल रही है। नाइन्थ क्वेश्चन है, इनलिस्ट द एडवांटेजेस ऑफर्ड बाय सीड्स टू एंजियोस्पर्म। प्रोटेक्शन देता है, न्यूट्रिशन देता है एम्ब्रियो को, मींस ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर हायर प्लांट्स है, एंड इट कैन ऑल्सो विदस्टैंड वेरिएबल क्लाइमेट अंडर डोरमेंट स्टेट। तो जब कंडीशंस फेवरेबल होंगी फिर से ग्रो कर जाएगा। टेंथ क्वेश्चन है, फोर डिफरेंसेज बिटवीन विंड पॉलिनेटेड एंड इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर। क्या डिफरेंस होंगे बच्चों, विंड वाले में फ्लावर्स आर स्मॉल एंड कलरलेस, यहाँ पे ब्राइटली कलर्ड होते हैं क्योंकि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना है। फ्लावर में यहाँ पे कोई खुशबू और नेक्टर नहीं होती, यहाँ पे हाईली नेक्टिफेरस होता है ये। यहाँ पे पोलन ग्रेन्स ड्राई और अनवेटेबल हैं क्योंकि हल्के होने चाहिए तभी विंड से उड़ेंगे। यहाँ पे इंसेक्ट चिपकेगा आके, स्टिकी और स्पाइनी होते हैं। यहाँ पे स्टिग्मा लार्ज वेल एक्सपोज्ड हेयरी एंड ब्रांच्ड होता है, यहाँ पे स्टिग्मा शॉर्ट एंड इज प्रेजेंट विद इन द फ्लावर। तो ये डिफरेंसेस बच्चों इंपॉर्टेंट हैं। 11th क्वेश्चन में स्ट्रक्चर ऑफ मेज ग्रेन बनाना विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। व्हाई वी कैन नॉट यूज द टर्म मेज सीड्स फॉर मेज ग्रेन, मेज ग्रेन्स बोलते हैं। तो ये स्ट्रक्चर देखिए मेज ग्रेन का मैंने फिर से आपके लिए बनाया है, रेडिकल, कॉलियोराइजा, प्लेम्यूल, कॉलियोपटाइल, एल्यूरॉन शीट, पेरिकार्प, ये सारी चीज़ें एक मेज ग्रेन के अंदर होती हैं। और क्यों नहीं यूज़ करते हम टर्म सीड फॉर मेज ग्रेन, बिकॉज सीड इज़ नॉट कम्प्लीटली डेवलप्ड फ्रॉम एम्ब्रियो बट रिटेन्स अ पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म, कुछ पोर्शन रह जाता है, इसलिए हम उसको ग्रेन बोलते हैं, पूरा सीड नहीं बोलते। तो इसी के साथ बच्चों ये आज के क्वेश्चंस जो हैं वो ख़त्म हो गए। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस और कंसेप्ट्स फिर से समझ में आ गया होगा। आप इसके लिए एक कॉपी बना सकते हैं जिसमें आप ये यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या क्वेश्चंस नोट कर सकते हैं, या इसी यूट्यूब को आप दोबारा बार बार सुन के भी समझ सकते हैं और क्वेश्चंस देख सकते हैं। बाकी और कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल हेल्प यू। आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो और नेक्स्ट वीडियोस और नेक्स्ट सब्जेक्ट की वीडियोस भी आपको मिलती रहेंगी। तो अब अगले यूट्यूब सेशन में मिलेंगे बच्चों दोबारा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।